तो दोस्तों कैसे हो आप सब, और स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में आज फिर से। तो भाई यहाँ पर है आज हमारे पास रियलमी X7 Pro, जो यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है 26 या 27 तारीख को, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो भाई ये यहाँ पर ग्लोबल वेरिएंट है मेरे पास, और यही वाला वेरिएंट दोस्तों सेम इसी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको जो हाइलाइटेड फीचर है वो है Dimensity 1000+ वाला 5G प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर 120 Hz की आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी भाई। तो रिफ्रेश रेट यहाँ पर काफ़ी सही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पर कर लेते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो मैंने यहाँ पर सील खोल दी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर बॉक्स में कुछ इस तरीके का सामान देखने को मिलेगा। और जैसे यहाँ पर आप बॉक्स खोल दो यार, कुछ फीलिंग आपको अलग देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वेलकम टू रियलमी फैमिली, जैसे कि हर फोन में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसको भी दोस्तों हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि आपको अंदर देखने को क्या मिलेगा। तो दोस्तों इसमें जो मेन चीज़ आपको देखने को मिलती है वो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, जो कि दोस्तों किसी काम के नहीं होते। तो इसको दोस्तों कर लेते हैं साइड में, और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एक प्लास्टिक केस, जिसकी दोस्तों क्वालिटी में कहूँगा कि काफ़ी अच्छी है, उतनी बुरी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि एक ये दोस्तों मिड रेंज मोबाइल है इसलिए। तो यहाँ पर आपको दोस्तों जो प्लास्टिक की केस की यहाँ पर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसके नीचे आपको मिल जाता है आपका प्यारा सा फ़ोन, जो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं फटाफट से खोल लेता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिज़ाइन है दोस्तों वो काफ़ी यहाँ पर सही है, और इसमें आपको रियलमी की ब्रांडिंग पीछे देखने को मिल जाएगी। साथ में दोस्तों डेयर टू लीव यहाँ पर लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों रियलमी X7 और X7 Pro दोनों में ही जो डिज़ाइन है दोस्तों वो आपको यहाँ पर सेम देखने को मिलेगा। और भाई जो कलर है वो काफ़ी सही है। पीछे दोस्तों यहाँ पर आपको ग्लास तो देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर प्लास्टिक और ग्लास वाला। बाकी दोस्तों यहाँ पर फ़ोन का वेट मुझे उतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, काफ़ी यहाँ पर ठीक ठाक सा मैं कहूँगा। तो चलिए दोस्तों इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है स्टार्ट होने के लिए, और देखते हैं कि आपको इसमें और नीचे क्या देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आपको सुपर वूक चार्जर देखने को मिलता है, जो दोस्तों यहाँ पर आता है 65 वॉट की चार्जिंग के साथ। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर 65 वॉट की चार्जिंग के साथ आपको ये प्रोवाइड किया जाता है बॉक्स में ही चार्जर, जो काफ़ी अच्छी बात है। और नो डाउट दोस्तों इसमें आपको टाइप सी ही देखने को मिलेगी। अब दोस्तों टाइप सी का ज़माना है, तो टाइप सी तो देनी ही पड़ेगी। तो यही सब कुछ था, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें आपको हेडफोन कनेक्ट करने के लिए एक यहाँ पर कनेक्टर वायर दी हुई है, और काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें आपको प्रोवाइड की गई है। और दोस्तों उसके नीचे आपको देखने को मिल जाती है सिम इजेक्टर टूल। और तो चलिए दोस्तों बॉक्स में इतना ही था, और चलते अपने फ़ोन की ओर कि आपको इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करूं यहाँ पर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं यार जो बेजल्स है काफ़ी यहाँ पर कम देखने को मिल जाती है आपको, और जो बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है भाई वो काफ़ी तगड़ा है इस फ़ोन का। तो बेजल्स दोस्तों ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों आपको जैसे पता है इसमें 120 Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसकी डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी सही मुझे लगी। यहाँ पर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इसके कैमरा की, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ 64 मेगापिक्सल के, और पोर्ट्रेट मोड से जो मैं ले रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये फ़ोन कोई कैमरा में ग्लिच तो नहीं है, मैंने यहाँ पर चेक किया तो नहीं, यहाँ पर कोई आपको ग्लिच देखने को नहीं मिलता है। तो वन बाय वन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ कि किस तरीके की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी इस कैमरा में। तो दोस्तों पहला शॉट आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर सही निकल कर आया है। तो यहाँ दोस्तों ये प्राइमरी कैमरे से मैंने ये शॉट क्लिक किया है। तो वैसे दोस्तों कलर्स वगैरह में तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लगा, रियलमी के फ़ोन दोस्तों कलर्स वगैरह में तो काफ़ी सही रहते हैं आपको पता है। तो हाँ दोस्तों थोड़ा नेचुरल से हट के दोस्तों यहाँ पर फ़ोन ये फ़ोटो लेता है, ओरिजिनल कलर यहाँ पर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये फ़ोन मिस कर लेता है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट शॉट की, पोर्ट्रेट मोड भाई आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आई है। वैसे हम दोस्तों इसका अगर आप कहेंगे तो डेडिकेटेड यहाँ पर कैमरा टेस्ट लेकर आ सकते हैं अगर दोस्तों आप कहें तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पोर्ट्रेट मोड में इस फ़ोन को कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसमें दोस्तों 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको प्रोवाइड किया गया है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है।
आपको दोस्तों यहाँ पर 8 मेगापिक्सल की वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसमें सब कुछ बस इतना ही। और बात करें दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन की, तो आपको जैसे पता होगा ये डायमेंसिटी 1000+ वाले प्रोसेसर पर आता है, तो इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। और बात करूँ दोस्तों यहाँ पर ऑडियो की, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें ऑडियो की, तो मुझे काफ़ी सही लगी। और इसमें दोस्तों बैटरी में आपको बताओ कि 4500 mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छी दोस्तों बात है। और इसमें दोस्तों इतना ही था, बाकी यहाँ पर ये आपको एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड मिलेगा। बाद में इसमें आपको अपडेट सारे देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया डायमेंसिटी 1000+ वाला 5G प्रोसेसर है, और 8 GB की रैम दोस्तों आपको यहाँ पर मैक्सिमम देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब के लिए दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।